फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू योर चैनल, वेलकम टू इंडियन ब्यूटी गाइड। तो थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही हो दोस्तों, ये साझा होने वाली है और एक न्यू लॉन्च प्रोडक्ट की रिव्यू। तो आप मेरे हाथ में देख सकते हो, ये है एम कैफिन की न्यू लॉन्च और मैंने इसको नायका से परचेज किया था दोस्तों। तो ये है एम कैफिन की 10% AHA एंड ग्रीन टी बॉडी स्क्रब। ये है 10% AHA विद ग्लाइकोलिक एंड लैक्टिक एसिड के साथ आती है। ये रिड्यूस करती है इन ग्रोन हेयर को, ये एक्सफोलिएट्स करती है, सूथन्स करती है और रिड्यूस करती है टैन को। ये फॉर ऑल स्किन टाइप्स है। इसकी जो नेट क्वांटिटी है 120 ग्राम है। इसकी जो प्राइस है वो 349 है, पर मैंने इसको नायका से जब परचेज किया था तो मुझे अच्छे खासे डिस्काउंट्स मिल गए थे। और ये जो एम कैफिन की बॉडी स्क्रब है, ये टोटली FDA अप्रूव्ड है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, पैराबेन फ्री है, मेड सेफ है और ये एनिमल टेस्ट फ्री एंड वेगन प्रोडक्ट है दोस्तों। ये है इसकी फ्रंट की पैकेजिंग और ये है इसकी बैक साइड की। तो चलिए इसके विषय में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ये रिड्यूस करती है इन ग्रोन हेयर को, मतलब जो हेयर ठीक तरीके से ग्रो नहीं कर पाते उसको, और हमारी बॉडी पार्ट्स में कभी कभी ऐसे होते हैं दोस्तों। और एक्सफोलिएट्स करते हैं और सूथन्स करती है और टैन को रिड्यूस करने में मदद करती है। इसको आपको डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखनी है और बच्चों से भी दूर रखनी है। और इसको कैसे यूज करनी है, जितनी अमाउंट आपको ठीक लगे उतनी लेनी है, उसके बाद आपको अप्लाई करनी है ऑल ओवर योर बॉडी पार्ट्स पे और जेंटली स्क्रब करनी है सर्कुलर मोशन में फॉर अ फ्यू मिनट्स के लिए। और इसको आप वीक में 2 से 3 बार तक यूज कर सकते हो हेल्दी ग्लोइंग स्किन पाने के लिए। तो ये है इसकी फुल ऑफ पैकेजिंग और इसमें कोई भी कलर एडेड नहीं है, पर छोटे छोटे बीड्स है। तो चलिए इनको यूज करते हैं। और ये टोटली क्रीम टेक्सचर के साथ आती है। इसकी जो परफ्यूम है ना वो काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग है। तो अभी बात करते हैं कि इसको इस्तेमाल करके मुझे कैसे लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पैकेजिंग ठीक ठाक है। मैंने इसको नायका से परचेज किया था तो मुझे अच्छे खासे डिस्काउंट्स मिल गए थे। तो ये प्राइस वाइज इसकी जो क्वांटिटी है वो ठीक ठाक है, मुझे कोई भी दिक्कत इसके साथ नहीं लगी। ये अच्छी तरीके से स्किन को एक्सफोलिएट्स करती है, स्मूथन्स करती है और टैन को रिड्यूस करने में मदद करती है। हाँ, आपकी स्किन अगर बहुत ज्यादा टैन हो चुकी है तो एक दिन में या फिर 1 वीक में ही ये नहीं हटा पाएंगे दोस्तों। उसके साथ साथ आपको इसके साथ साथ बनी रहनी होगी, मतलब इस प्रोडक्ट के साथ बनी रहनी होगी तो ये रिड्यूस कर पाएगी आपकी टैन को। एक ही दिन में बहुत सारा टैन ये नहीं हटा पाते, तो डे बाय डे ये करते हैं, पर एक ही वीक में आपको 2 या 3 टाइम ही यूज करनी है, उससे ज्यादा नहीं। और इसकी सबसे बड़ी अच्छी बात लगी कि ये रिड्यूस करती है इन ग्रोन हेयर को, जो हेयर ठीक तरीके से ग्रो नहीं हो पाती है हमारी बॉडी पार्ट्स के ऊपर। और उस टाइम पे वो बॉडी पार्ट्स अगर आपके हैंड में या फिर लेग में ऐसे दिख रहे हैं तो वो काफी ज्यादा खराब दिखते हैं, तो उसको रिड्यूस करने में मदद करती है, जो बात मुझे सही लगी, अच्छी भी लगी। कोई भी दिक्कत इसके साथ मुझे नहीं हुई, मुझे ऐसा नहीं लगा कि इसको यूज करते दौरान कोई भी प्रॉब्लम हो रही है। पर इसकी जो रिफ्रेशिंग स्मेल है वो काफी ज्यादा प्यारी है, काफी टाइम तक, मतलब 5 से 6 आवर ये टिक जाते हैं बॉडी के ऊपर इन समर सीजन के लिए, जो बेस्ट है। और जब आप इसको यूज करोगे तो इसके अंदर जो छोटे छोटे बीड्स है वो बिल्कुल भी हर्श नहीं है। पर हाँ, आप अगर कोई भी स्क्रब यूज करे हो आप लोग, चाहे वो फेस हो, चाहे वो बॉडी स्क्रब हो, कुछ भी हो, सो आपको जोरों से नहीं रब करनी है, जेंटली मसाज करनी है सर्कुलर मोशन में, चाहे वो फेस हो और चाहे वो बॉडी पार्ट्स के कोई भी पार्ट्स में हो। और ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत सारा अमाउंट नहीं लगते, थोड़ा बहुत ही लगते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड्स करती है कि आप कितने प्रोडक्ट्स लेते हो और कितने दिन चलते हैं। तो मेरे हिसाब से जो क्वांटिटी है प्राइस वाइज वो काफी टाइम तक, 1 मंथ तो इजीली आराम से चल ही जाएंगे। तो मैं हाल ही आपको ये रिकमेंड कर सकती हूँ, अगर इस समर सीजन में कुछ रिफ्रेशिंग के साथ आप चाहते हो कि आपकी टैन भी हट जाए और रिड्यूस करे इन ग्रोथ हेयर को, तो डेफिनेटली आप इसके साथ जा सकते हो। ये कोई भी दिक्कत नहीं देती है। अगर आपके मन में झिझक है तो पैस टेस्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों। और ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है, ये वाली बॉडी स्क्रब काफी ज्यादा पसंद आई है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू, कीप वॉचिंग।